अविनाश की शहर में नई नई जॉब लगी थी। अपने गांव के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद उसके चाचा ने शहर के एक कॉल सेंटर में उसकी जॉब लगवा दी थी। वहां उसकी नाइट शिफ्ट होती थी। अविनाश इससे पहले कभी शहर नहीं आया था। उसका यहां कोई दोस्त भी नहीं था, मगर कॉल सेंटर में उसकी दोस्ती पवन से हो गई। पवन हमेशा से शहर में पला बढ़ा एडवांस लड़का था। अब ज्यादातर समय अविनाश और पवन साथ में ही रहते। एक दिन ऑफिस के ब्रेक में दोनों बाहर खड़े चाय पी रहे थे। पवन फोन पे बातें कर रहा था। हाँ बेबी, वीकेंड पे आ रहा हूँ मैं, पार्टी करेंगे हमेशा की तरह। पवन काफी खुश नजर आ रहा था। फोन काटने के बाद उसने अविनाश की तरफ देखा। अविनाश के लिए ये कल्चर एकदम नया था। अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे तुम? हाँ, अब ऑफिस का इतना सरदर्द रहता है, कोई तो चाहिए जिससे बात करके दिल को तसल्ली मिले। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी तो कभी किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं हुई आज तक। डर लगता है बात करने में भी, और लड़कियां हमेशा गलत समझ लेती हैं मुझे। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये देखो एग्जांपल। अविनाश पास से गुजर रही एक लड़की के पास गया और कहने लगा, हेलो मैडम। यस, हु आर यू? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मेरे पास बाइक भी है। लड़की ने जोर का तमाचा उसके चेहरे पे रसीद कर दिया। रास्कल! ये देखकर पवन का हंस हंस कर बुरा हाल था। ऐसे कौन बात करता है, कोई भी थप्पड़ी मारेगी ऐसे तो। मेरे पास बाइक है। अविनाश मेरे दोस्त, मैं करता हूँ तुम्हारी हेल्प। पवन ने अविनाश को अपना फोन खोलकर दिखाया। उसमें एक ऐप थी फाइंडर नाम से। ये देखो, ये ऐप है, इसमें अपना प्रोफाइल बनाओ और जो लड़की पसंद हो उसको लाइक करो। तुम भी उसको पसंद आए तो बातें शुरू। तुम तो इतने हैंडसम लड़के हो, कुछ ही दिनों में बन जाएगी गर्लफ्रेंड। अरे नहीं भाई, ये एडवांस चीजें नहीं हो पाएंगी हमसे तो, ऐसे ही ठीक है। अविनाश ने अपने रूम पर जाकर इस बारे में फिर से सोचा तो उसे लगा कि क्यों ना एक ट्राई करके देखा जाए। उसने वो ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर ली। अगले दिन वो ऑफिस गया तो पवन ने उसका एक अच्छा सा प्रोफाइल भी बना दिया। अविनाश ने दो लड़कियों को लाइक कर दिया जो उसको बेहद खूबसूरत लगी थी। दोनों चाय पीने बाहर गए तो अविनाश को ऐप से एक नोटिफिकेशन आया कि उन दोनों में से एक लड़की ने उसको लाइक किया है। वो बहुत खुश था, मगर वो कैसे बात करे ये उसको नहीं पता था। पवन भाई, ये बताओ कैसे बात करें, कितना प्यारा नाम है ना इसका, मधुरिमा। अरे बहुत आसान है, हाय बोलो, फिर हॉबीज वगैरह पूछो और उसके बाद नंबर मांग लो और फोन पे बातें शुरू। मौज करो भाई और मुझे थैंक्स बोलो। इससे पहले कि अविनाश हाय बोलता, उधर से मधुरिमा का मैसेज आ गया। अविनाश, मुझे तुम बहुत पसंद आ गए हो और तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ, ये मेरा एड्रेस है। ऐसा बोलकर मधुरिमा ने अविनाश को अपना एड्रेस भेज दिया। ये बात उसने पवन को बताई। अरे वाह मेरे शेर, तुम तो बहुत फास्ट निकले, आज ही ऐप डाउनलोड की और आज ही मुलाकात के लिए लड़की ने घर बुला लिया, बहुत बढ़िया। सोच क्या रहे हो, जाओ अभी। हाँ और कब, अभी जाओ। मगर ऑफिस। अरे ऑफिस का टेंशन मत लो, मैं मैनेजर को बोल दूंगा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और तुम घर चले गए हो। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अविनाश वहीं से सीधा अपनी मोटरसाइकिल पे मधुरिमा के बताए पते आदर्श नगर हाउस नंबर 119 के सामने पहुंच गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतना आसान होगा। किसी लड़की को वो इतना पसंद आ सकता है कि वो उसे तुरंत मिलना चाहे। हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो घर के अंदर चला गया। पूरे घर में मोमबत्तियों की रोशनी थी, जैसे कोई उसका स्वागत करने के लिए बेकरार हो। पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आवाज लगाई, मधुरिमा, मधुरिमा। कुछ जवाब नहीं आया। वो एक कमरे के अंदर घुसा।
और आसपास देखा। कमरे में इधर उधर जाले लगे हुए थे, मानो कोई महीनों से यहां आया ही ना हो। उसको थोड़ा अजीब लगा। तभी एक बेहद मनमोहक आवाज आई। आ गए तुम, तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी मैं। मैंने भी कब से इस पल का इंतजार किया है जब कोई लड़की मेरे लिए इतनी बेकरार हो, मगर तुम हो कहाँ। अभी तुम्हारा इंतजार खत्म कर देती हूँ। एक ब्यूटीफुल वन पीस ड्रेस में मधुरी माँ कमरे में घुसी। अविनाश ने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी, वो तो मानो पागल हो गया था। एक टक उसको देखे जा रहा था। मधुरिमा ने बेड के बराबर में रखी टेबल के ऊपर से दो ग्लास और एक शराब की बोतल उठाई। शराब पीते हो? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। तो आज करोगे? मधुरिमा ने शराब का एक ग्लास अविनाश को दिया और दूसरा खुद लेकर उसके पास बैठ गई। पियो। अविनाश ने शराब की एक घूंट पी और अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, बहुत कड़वी है। इंसानी खून की तरह ना। अच्छा मजाक है। मजाक नहीं कर रही मैं। तुम्हें विक्रम का चेहरा याद है? विक्रम का नाम सुनके जैसे अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम, तुम उसे कैसे जानती हो? अचानक मधुरिमा एक बेहद सुंदर लड़की से एक खतरनाक चुड़ैल में बदल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। मेरा पति था विक्रम, तुम्हारे गांव में मेडिकल कैंप लगाया था उसने लोगों का फ्री इलाज करने के लिए, और तुमने महज 50,000 रुपए चुराने के लिए उसे मार डाला और उसकी मौत को खुदकुशी बना दिया। उसकी लाश देखकर मैं उसी दिन सदमे से मर गई। उसके कातिल को ढूंढते ढूंढते मुझे आखिर सच का पता चल गया। मुझे माफ कर दो मधुरिमा, मुझे उस वक्त पैसों की इतनी जरूरत थी कि सही और गलत समझ ही नहीं पाया। मुझे भी अब सही और गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर मधुरिमा ने शराब की बोतल को जमीन पर गिरा के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक नुकीला टुकड़ा उठाकर सीधा अविनाश के सीने में घुसा दिया। वो दर्द से छटपटाने लगा। ऐसे ही मारा था ना तूने विक्रम को? मधुरिमा ने एक एक करके कांच के सारे टुकड़े अविनाश के शरीर में घुसा दिए। जमीन पर गिर गया। उसका खून पास में बिखरी पड़ी शराब में मिल गया और हमेशा के लिए वो इस दुनिया से विदा हो गया। मधुरिमा भी वहां से गायब। उसका बदला पूरा हो चुका था और उसको मुक्ति मिल चुकी थी। जब 3 दिन तक अविनाश ऑफिस नहीं आया तो पवन को अविनाश के फोन में दिखे मधुरिमा के एड्रेस की याद आई। वो वहां पहुंच गया तो उसने देखा कि पवन की मोटरसाइकिल बाहर ही खड़ी थी। अंदर जाकर देखा तो किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। आसपास पूछने पर पता चला कि 6 महीने से इस घर में कोई नहीं रहता। पवन चौंक उठा और अविनाश की कहानी हमेशा के लिए एक अजीब हादसा बनकर रह गई।